The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So welcome. Let's talk about masks. Mask. Which type of masks can actually protect you from a virus? Chahe wo coronavirus hai, chahe koi bhi virus hai. कौन सा वायरस की ज़रूरत है आपको एंड हु नीड्स टू वेयर अ मास्क हैज बीन डिबेटेड. कई सारे लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपने बोला था मास्क पहनो, फिर कहते कि पहनो भाई, हमने कहा था समझदारी से पहनो, पागल समान हर जगह मत पहनो, ये हम कह रहे थे. क्योंकि इवन सीडीसी कहते हैं कि मास्क उसी को पहनना है या तो आप बीमार हो खुद. चार प्रकार की कैटेगरी दे रखी है सीडीसी, सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल वालों ने, कि अगर तो आप बीमार हो जाके चेक कर सकते हो खुद. नंबर वन, इफ़ यू हैव सिम्टम्स ऑफ कोल्ड, फ्लू, कफ, एनीथिंग, देन यू वेयर अ मास्क. नंबर टू, अगर आप तो डॉक्टर, हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं, डॉक्टर, नर्स या हॉस्पिटल में काम करते हैं, देन यू वेयर अ मास्क. अगर आप हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, किसी क्रोनिक इलनेस, अंडरलाइंग मेडिकल डिजीज वाले हैं, देन यू वेयर अ मास्क कि आपको ना हो जाए. एंड इफ़ यू आर अराउंड समवन हु इज अफेक्टेड, हु इज डिजीज, जो बीमार है, देन यू वेयर अ मास्क. और इन एनी एरिया जहाँ पे कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो चुका है या जहाँ पेशेंट्स पाए गए हैं दैट के, या जहाँ भीड़ भाड़ है, देन यू वेयर अ मास्क, क्योंकि यू डोंट नो कितने लोग वहाँ अफेक्टेड है कितने नहीं. सो दैट्स द ओनली वे, जगह है जहाँ पे मास्क की ज़रूरत है. हर जगह मास्क की ज़रूरत नहीं, कमरे में बैठे मास्क की ज़रूरत नहीं है, आइसोलेटेड रहने में मास्क की ज़रूरत नहीं है. देयर इट इज. नाउ दैट बीइंग सेड, अ लॉट ऑफ मिसकंसेप्शंस आर देयर कि भाई मास्क है हम खुद बना लेंगे, सर्जिकल मास्क कोई काम के नहीं है, N95 ही काम के हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. नए नए FFP1 मास्क है, N95 मास्क हैं, अब एक्टिवेटेड चारकोल मास्क हैं, कॉटन मास्क है, स्पॉन्ज मास्क है, धोने वाले मास्क हैं, नहीं धोने वाले मास्क हैं, क्या हो रहा है ये. सो बात करते हैं, रिलैक्स. पहले तो रिलैक्स करिए, चिंता बहुत फैल चुकी है. डीप ब्रीथ लेना सीखिए, रिलैक्सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट. सो मास्क, अगर आपके पास मास्क नहीं है तो फिर कुछ नहीं से कुछ सही वाला बात है, कुछ भी चलेगा, कपड़ा भी चलेगा. नाउ इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक तो सबसे कॉमन जो मास्क है वो है सर्जिकल मास्क, जो डॉक्टरों को पहना देखा है आपने हर जगह, ऑपरेशन थिएटर में या जो मास्क अस्पताल में मिलता है, बहुत सिंपल वाला सर्जिकल मास्क, बहुत सिंपल सा मास्क है, मोस्ट कॉमनली अवेलेबल मास्क है मार्केट में, सबसे कॉमनली मिल जाएगा आपको. और इसमें क्या है कि यहाँ पर ये ज़्यादातर आपको किसी स्प्लैश ऑफ ड्रॉपलेट से बचाएगा, वाटर से, स्प्रे से, ऐसी चीज़ों से बचाएगा. मान लो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं ऑपरेशन के टाइम पर, मान लो ब्लड थोड़ा ऊपर आ जाए, कुछ इन्फेक्टिव मटेरियल आ जाए, ऐसा कुछ. तो सर्जिकल मास्क इज सर्जिकल मास्क, अलग अलग साइज में आते हैं. द पॉइंट इज इट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम द स्प्लैश. ये फिटिंग नहीं होते हैं, ये पूरा कवर्ड फिटिंग नहीं होते हैं, तो इट कैन एक्चुअली द एरोसॉल वाली चीज़ें जो होती हैं, जो एकदम हवा में उड़ के फिर नीचे गिरती हैं ऐसे, वो हो सकता है ऐसे चल के ऐसे चले जाएँ. सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी. सो दे आर नॉट द बेस्ट प्रोटेक्शन नाउ. ठीक है, नॉट बेस्ट बट समथिंग इज गुड भाई, दैट इज अ गुड थिंग. और एक अच्छे हाई ग्रेड, थोड़े घटिया क्वालिटी के भी आते हैं, अच्छे क्वालिटी के भी आते हैं, हाई ग्रेड वाले जो होते हैं वो अप टू 80-90% ऑफ एनी काइंड ऑफ वायरसेस को रोक सकते हैं. सो 80-90% तक रोक देना अपने आप में अच्छी बड़ी बात है. सो दे आर यूजफुल, ऑब्वियसली कुछ नहीं है तो कुछ, ये तो बहुत अच्छा है. देन N95 मास्क, और जिसको FFP1 मास्क कहेंगे, ये रेस्पिरेटर बोलते हैं इसको, रेस्पिरेटर्स, राइट. अगेन इसमें क्या होता है, ये भी कोरोना वायरस के स्प्रेड को रोकते हैं, और ये थोड़े ज़्यादा फिटिंग होते हैं, बहुत ज़्यादा जठर मोटे से होते हैं, ऐसा लगता है भी इसमें से सांस लेना मुश्किल हो जाएगा. और ऑब्वियसली ये बेटर होते हैं सर्जिकल मास्क से प्रोटेक्शन में. N95 मास्क में फिल्टर्स होते हैं जो 95% 0.3 माइक्रोन से बड़े लार्जर पार्टिकल डायमीटर को रोक लेंगे, रफली मतलब एक सिंगल वायरस के पार्टिकल को, और जो इवन 10 पार्टिकल्स, पार्टिकल पोल्यूशन, PM पार्टिकल्स होते हैं 2.5, उनको भी ये रोक लेते हैं, 95% तक रोक लेते हैं. दैट्स वाई इनका नाम है N95. द पॉइंट इज, कुछ मास्क में एक वैल्व भी होता है. N95 मास्क जो होते हैं, दे कैन कम विद अ वैल्व, विदाउट अ वैल्व, दोनों पॉसिबल है.
वाल्व एक्सहेलेशन के लिए होता है कि ब्रीदिंग जो हो रही है, सांस जब आप छोड़ते हो तो छोड़ी हुई सांस जो है आराम से बाहर निकल जाए, वरना क्या होता है लेना भी मुश्किल है छोड़ना भी मुश्किल, ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा पैक है, कोई लोग कर नहीं पाते, सांस नहीं ले पाते उसमें, दैट्स देयर। तो इसलिए एक्सहेलेशन वाल्व होता है कि एक्सहेलेशन के लिए बाहर निकलते समय वाल्व खुल जाता है, लेकिन जैसे ही सांस अंदर लेते हो बंद हो जाता है, तो बाहर से एयर जो है बिना उस मास्क के थ्रू होके नहीं अंदर आती। सो दैट देयर इज प्रोटेक्शन। सो ये आपको बहुत अच्छा प्रोटेक्शन देता है, वर्चुअली पोल्यूटेंट्स वायरसेस बैक्टीरियाज को अच्छे खासे 95% तक रोक देता है। सो दैट इज रिकमेंडेड अगर आप एक्चुअल पेशेंट की केयर कर रहे हैं, पेशेंट के पास हैं, डॉक्टर हैं या अस्पताल में है पेशेंट का केयर कर रहे हैं, देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन एडिशन टू दैट, इफ यू आर अ डॉक्टर टेकिंग केयर ऑफ अ पेशेंट या एग्जामिनिंग अ पेशेंट, यू नीड अ फेस शील्ड। आंखों में भी ऐसा घुस सकता है, फेस शील्ड चाहिए होती है उसके लिए, देन देयर इज दैट प्रोटेक्शन, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। फिर अब नया नया मास्क आ गए हैं, क्या नाम है उसका, एक्टिवेटेड चारकोल मास्क, नाउ दैट इज अ वेरी गुड नया कॉन्सेप्ट। एक्टिवेटेड चारकोल डाल देंगे, इसमें क्या होगा, और ज़्यादा कोई पोल्यूटेंट और जर्म्स और इम्प्योर एयर जो है वो और ट्रैप हो जाएगी, तो दिस कैन एक्चुअली हेल्प लिटिल मोर, राइट, मेकिंग अ गुड बाय। बट ये सिर्फ और सिर्फ पोल्यूशन के लिए, नॉट फॉर वायरसेस। ये पोल्यूटेड, एक्सट्रीमली पोल्यूटेड सिटीज़, जब बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड एरियाज हैं दुनिया के अंदर जहाँ पे एक्चुअली सांस लेना ही अकेले मुश्किल है, उनके लिए कायदा बन सकता है एक्टिवेटेड चारकोल मास्क का। वायरस के लिए उतना कुछ ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है N95 मास्क से ऊपर। सो देयर इट इज़ दैट एक्टिवेटेड चारकोल मास्क पोल्यूशन के लिए है, N95 के लिए एक्सेप्शनली वेल इट्स नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। दे कैन ओनली ट्रैप बहुत कम वायरसेस, 10-20% वायरसेस के, तो फिर वो इस वक्त अपनी चॉइस में बनता ही नहीं है, N95 से बेटर है ही नहीं, चारकोल मास्क। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्लॉथ, क्लॉथ और स्पॉन्ज मास्क। अब मास्क कम हो गए तो लोगों ने अपने घर में बनाने लग गए होममेड मास्क, कपड़ा बांधेंगे, रुमाल बांधेंगे, हैंकरचिफ बांधेंगे, स्कार्फ है, राइट, ऑब्वियसली इतने इफेक्टिव नहीं होते हैं वो, बट समथिंग इज बेटर देन नथिंग, दे कैन प्रोवाइड सम सॉर्ट ऑफ, इट्स अ लेसर प्रोटेक्शन, चांसेस हैं अगर आपके एरिया में वायरस है और आप बाहर घूम रहे हो और आप भाई साहब वही पहने हुए, तो आपके अंदर चला सकता है, इट्स अ पॉसिबल, इट्स पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी है। सो इसीलिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एक तो उसको रेगुलरली रिप्लेस करना पड़ेगा, उसको चेंज करते रहना पड़ेगा, धोना पड़ेगा, राइट, सैनिटाइजेशन डिसइंफेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि वही वही चीज़ उठा उठा पहनोगे तो फिर तो हो ही जाएगा आपको, चाहे नहीं भी होना है तो भी हो जाएगा। इवन हर एक टाइप का मास्क, एनी टाइप ऑफ मास्क विच यू आर टॉक्ड अबाउट इज नॉट अ रीयूजेबल मास्क, चाहे वो क्लॉथ हो, जब तक क्लॉथ को धो नहीं रहे, व्हेन यू वॉश द क्लॉथ एंड देन यूज इट, देन यू यूज इट, बट देन यू आर नॉट, ऐसे कोई मतलब उसमें कोई 95% या कुछ इस तरह से नहीं है, सर्जिकल मास्क से भी कम प्रोटेक्शन आती है जब वायरस की बात आ जाए उसमें। सो यस, सर्जिकल मास्क इज बेटर देन क्लॉथ एंड बट या, अगर क्लॉथ के अंडर आप सर्जिकल मास्क पहनोगे देन बिकम्स लिटिल बेटर सपोर्ट, दो गुना। स्पॉन्ज मास्क में कोई खास फायदे वाला नहीं है कि वो वायरस को रोक लेगा, क्वाइट फ्रेंकली कई सारे स्पॉन्ज मास्क आएंगे, मेरा रीयूजेबल वॉशेबल है, बट देन they don't really provide any kind of support in this kind of a situation. So, अगर आप actually में हैं, किसी patient की care कर रहे हैं, तो आपको फिर N95 mask चाहिए, no doubt, लेके घूमना पड़ेगा आपको, जैसे हम लेके घूमते हैं अपने mask को, कहाँ है हमारा mask, ऐसा लेके घूमना पड़ेगा आपको, N95 particle free mask, nano fiber masks, बहुत important, right, अब हर एक बार ऐसा नहीं मिलता हर एक जगह पे, बट देन यस आई हैव अ कवर, सो कवर में रख सकते हैं आप मास्क को अपने, बिकॉज बाहर रखना भी अपने आप में खतरे से खाली नहीं है, एंड नेवर टच द मास्क एक्सेप्ट उसके थ्रेड्स, उसके थ्रेड से ही उसको टच करना है, उसके बाहरी एरिया से कभी टच नहीं करना है। जैसे मैं वैल्व की बात कर रहा था, ये वैल्व है, उसमें ये अंदर का हिस्सा है, ये वैल्व है, एंड देयर इज अ दिस क्लिक होती है, नॉब होता है, आप क्या होता है, ये होता है, नोज पिन होती है कि नोज पे दब जाए, यहाँ से ऐसे नोज पे फिक्स होने के लिए, तो यहाँ से इसको पहनते हैं ऐसे और पीछे फिक्स कर देते हैं कानों में, हमारा पीछे करके हम ऊपर पीछे फिक्स करते हैं ऐसे करके, दैट्स हाउ यू वेयर इट,
And it's a breathable mask, right? This is an N95 mask, right? Breathable kind of a mask. Technically, इसको आप reuse नहीं कर सकते. It's not advisable. Technically, ये reusable नहीं है. But, आज के डेट में जो technically बोला जाता है, even N95 mask, surgical mask को, N95 mask को, they can provide you protection for just 8 hours of continuous use. सिर्फ 8 घंटे का continuous use में वो आपको protection दे सकते हैं. After that, you should throw away the mask after sterilization. Sterilization के लिए उसको bleach वाले solution में डुबो के फिर throw कर दिया जाता है, या जमीन में गाड़ दिया जाता है, या जला दिया जाता है. भाई साहब क्यों? क्योंकि ये माना जाता है mask के ऊपर भी infection है. अब ऐसे में दुनिया washable वाली चीजें इस्तेमाल कर रही है, mask को साबुन पानी से धोया जा रहा है, मास्क को स्टरलाइजर से, डिसइंफेक्टेंट से स्प्रे किया जा रहा है. अंडरस्टैंड, ये सारी चीज़ें मास्क की इंटीग्रिटी को और ज़्यादा डैमेज करती हैं. सो पहला मास्क जो 95% तक बचा रहा था, वो और कम बचाएगा, फिर और कम बचाएगा. यू एंड सम पीपल जो एक्चुअल पेशेंट्स के पास नहीं है, उनके लिए हो सकता है उनके आसपास वायरस ही नहीं है, तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा कि वो N95 मास्क पहन रहे हैं कि कपड़ा पहन रहे हैं कि क्या पहन रहे हैं, या धो धो के उसको पहन रहे हैं, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता. बट इफ़ यू आर एक्चुअली देयर, अगर आप पेशेंट की केयर कर रहे हो, तो आपको फिर डेली नया मास्क चाहिए. दैट्स द पॉइंट. इसीलिए डॉक्टर्स को इन्फेक्शंस हो जाते हैं, डॉक्टर्स फिर बार बार इन्फेक्ट होते, बिकॉज दे डोंट गेट प्रॉपर इक्विपमेंट्स. और अगर हम टेक्निकल बात करें कि इज देयर एनी पॉसिबिलिटी, टेक्निकली ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप मास्क को रीस्टरलाइज कर सके किसी तरीके से विदाउट डैमेजिंग द इंटीग्रिटी. एक रिकमेंडेशन बताया गया है बहुत रिसर्च करके, कि आप मास्क को हाइड्रोजन परोक्साइड के फ्यूम्स में, हाइड्रोजन परोक्साइड के फ्यूम्स में, स्टीम में स्टरलाइज कर सकते हैं मल्टीपल मास्क. ऑब्वियसली ये एक मास्क की बात तो नहीं, हॉस्पिटल में तो हज़ारों मास्क लगते हैं रोज के, सबको मास्क लगेंगे, तो हज़ारों मास्क को उस तरीके से स्टरलाइज किया जा सकता है, रीयूज़ किया जा सकता है. अभी रीयूज़ के रिकमेंडेशंस और आ सकते हैं आगे चल के, बट राइट नाउ देर इज़ नो परफेक्ट रीयूजेबल टेक्निक. बट इफ़ यू आर वॉशिंग योर मास्क विद सोप एंड वाटर एंड ड्राइंग देम ऑन सन, तो येस मेक श्योर कि उनकी इंटीग्रिटी थोड़ी थोड़ी ख़राब हो रही है. एंड यू हैव टू देन जज कि भाई आप ऐसे रिस्की सिचुएशन में अगर जा रहे हो, देन चेंज द मास्क, अरेंज अनदर मास्क, और या डोंट गो इन सच अ रिस्की सिचुएशन. दैट्स ऑल्सो एन ऑप्शन. एंड देर इज अनदर ऑप्शन, यू कैन जस्ट स्प्रे द मास्क और विथ डिसइनफेक्टेंट अल्कोहल. दैट्स द मोस्ट बेस्ट थिंग. आप अल्कोहल स्प्रे कर सकते हैं, 60-70% अल्कोहल स्प्रे ऑन द मास्क आउटसाइड, बिकॉज बेसिकली मास्क के बाहर ही ज़्यादा लगता है. एंड देन मास्क को धूप में थोड़ी देर सुखा सकते हैं आप, कुछ घंटे. So that can help to kill most of the viruses and bacteria. So, but ऐसा भी नहीं है कि वो भी integrity नहीं करेगा खराब, तो करेगा. So that's how you can protect yourself. That's everything which you need to know about the masks. Hope you liked it. Hope you share it. Hope you subscribe. Thank you.